हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आ गए नए वीडियो के साथ। तो ये इसमें दशहरा के कुछ तो शानदार नज़ारे आपको दिखाए जाएंगे। तो भैया, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, नौका विहार से। भैया, कुछ और मूर्तियाँ देखने के लिए, शानदार नज़ारे एंजॉय करने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गेट नौका विहार का, काफ़ी तगड़ा लग रहा है भाई। और इसका नज़ारा भैया देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मित्र वो किसी से मिलना था, तो हम लोग भैया जी स्कूल की तरफ निकल रहे हैं, देवरिया बाईपास की तरफ, अमर उजाला चौक की तरफ भैया पहुँचेंगे वहाँ हम लोग। ये देखिए लोग पूरा भैया घूम रहे हैं, मेला वाला पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मूर्तियाँ देखिए लगी पड़ी हैं, लोग पूरा भैया दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए इस तरफ का भैया हाल ये है कि इधर भैया थोड़ा बहुत जाम था, और फिर हम लोग आ गए इधर से पडलेगंज की तरफ वापस। और ये देखिए पडलेगंज के पास भैया लगा हुआ है ये मूर्ति, काफी खूबसूरत शानदार भैया एकदम नजारे हैं। और इधर भैया पडलेगंज की तरफ अब जाम बहुत था। ये देखिए भाई यहाँ छात्र संघ चौराहे के पास से लगा है ये भव्य मूर्ति भैया माता का, और पूरा भैया लोग यहाँ दर्शन के लिए हैं। पूरा विशाल भंडारा लगा हुआ है, यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं, तो भैया पूरा भंडारा चल रहा है। और ये हम लोग आगे भैया छात्र संघ चौराहे पे, और चलते हैं भैया अब शास्त्री की तरफ। कचहरी बस स्टैंड होते हुए हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ, और शानदार नज़ारे थे भाई, काफ़ी तगड़ा भैया लोग देखिए घुमाई कर रहे हैं। मेला करने के लिए लोग निकले पड़े हैं बाहर। देखिए भाई साहब लोग पूरा एकदम टहल घूम रहे हैं, यहाँ बसें खड़ी हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं भैया कचहरी बस स्टैंड। ये रहा कचहरी बस स्टैंड भाई, यहाँ से प्रयागराज बनारस की बसें जाती हैं, मऊ उस साइड की सब बसें यहाँ से ही जाती हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी वाले बस स्टैंड से भाई लखनऊ साइड की बसें जाती हैं, दिल्ली की बसें जाती हैं। तो भैया पूरा ये सब है, और हम लोग कचहरी चौराहे से आगे बढ़ रहे हैं शास्त्री की तरफ। तो भैया यहाँ भी पीछे की मूर्ति शानदार भव्य लगा हुआ था इस रोड में। तो भैया इधर सेंट एंड्रयूज कॉलेज है, मैं भाई साहब का तेल ही खत्म हो गया, अब डगरा रहे हैं, पेट्रोल पंप तो काफ़ी आगे है शास्त्री पे। चलिए भैया अब हम लोग कुछ नज़ारे आगे ले आ जाए, कुछ शानदार नज़ारे एंजॉय किया जाए। और भैया हम लोग आ चुके हैं फाइनली शास्त्री चौराहे पे, और यहाँ कुछ चकाचौंध भैया थोड़ी बढ़ गई है, और काफ़ी ज़्यादा भैया थोड़ी बहुत भीड़ मिलेगी, उम्मीद है कि थोड़ा कम ही मिले। देखिए क्या होता है, कहीं कोई भयंकर भीड़ ना मिल जाए भाई। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं इधर, और ये देखिए भाई लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए इधर मेला वेला पूरा लगा है भाई, झूला वाला एकदम घूम रहा है। ये देखिए पूरा भैया इस ग्राउंड में मेला लगा है, यहाँ एक तिब्बत मार्केट टाइप लगते हैं सब, वहाँ भैया पूरा मेला लगा हुआ है एकदम दबा के। देखिए पूरा भयंकर मेला भैया लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए पूरा एकदम भैया भव्य सजावट है, भंडारा वंडारा पूरा चल रहा है भाई। ये देखिए भैया आ गए हम लोग यहाँ, चलते हैं आगे अब। ये देखिए पूरी भीड़ लगी हुई है भाई चौराहे से आगे। ये देखिए पूरा भाई पूरा भयंकर भीड़ है, गोलघर की ये हालत है भैया, एकदम गाड़ी पे गाड़ी खड़ी है। तो भैया निकल चुके हैं मेला करने के लिए दबा के एकदम। ये देखिए भाई साहब डोसा बना रहे हैं, बहुत डिमांड है डोसा की भाई साहब। हम लोग भी रुके तो भैया डोसा खींचने के लिए, काफी भीड़ थी। फिर हम लोग भैया खाओ के आगे की तरफ निकल रहे हैं, और देखिए क्या भयंकर भीड़ लगी पड़ी है। इधर भी भंडारे का आयोजन किया गया है, तो भैया पूरा भैया दर्शन के साथ भंडारा पूरा चल रहा है, लोग पूरा भैया एंजॉय कर रहे हैं, और भीड़ भैया पूरी दबा के है इस समय शहर में। भयंकर भीड़ है भाई दशहरा की, नवरात्रि का मेला बहुत ही भयंकर एकदम चल रहा है भाई, शानदार गजब के नज़ारे हैं, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। और ये देखिए धीरे धीरे यहाँ भैया जाम लग गया है पूरा बलदेव प्लाजा के पास, बहुत ही तगड़ा जाम, बहुत ही तगड़ा। उम्मीद नहीं थी कि हम लोग जल्दी निकल पाएंगे, लेकिन कैसे कैसे हमारे भाई साहब काट कूट के निकल रहे हैं, बहुत भयंकर जाम लगा है। पैदल चलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आगे भाई बाएं तरफ भी भंडारे का आयोजन किया गया है, इसलिए भाई थोड़ा जाम लग जा रहा है, जहाँ भंडारा या ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
थोड़ा वो उसकी वजह से जाम लग ही जा रहा है। ये देखिए लोग पैदल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, पूरा भैया मेला इंजॉय कर रहे हैं। देखिए आगे वो लगा पड़ा है, और ये देखिए यहाँ देखिए पूरा भैया यहाँ भी मूर्ति रखी गई है, बहुत ही शानदार। हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं भाई काली मंदिर की तरफ। काली मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ते हुए भैया, ये देखिए पूरा भैया एकदम खतरनाक सजावट एकदम हुई है जबरदस्त। तो यहाँ फिर जाम है भैया काली मंदिर। ये देखिए क्या शानदार क्या खूबसूरत भव्य दृश्य है भाई, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये मंदिर अपना, बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत ही तगड़ी सजावट की गई है भैया। हवन हवन हो रहा है, पूरा धुआं निकल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है भाई। देखिए लोग पूरा दर्शन कर रहे हैं, मेला भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में, तो पूरा भैया इंजॉयमेंट हो रहा है, पूरा तगड़ा इंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ। और ये देखिए जाम तो एकदम तबाक लगा है, और लगभग मैंने आपको पूरे शहर का वीडियो दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ ही रही होगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। देखिए क्या खतरनाक क्या शानदार सजावट की गई है भाई, एकदम खतरनाक। ये देखिए भैया दर्शन के लिए भीड़ एकदम लगी पड़ी है यहाँ पे, और हम लोग भैया आपको यहाँ देखिए दर्शन करा रहे हैं। तो भैया फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आगे अब स्टेशन रोड की तरफ निकलेंगे भैया। देखा जाए स्टेशन की तरफ कोई भाई मूर्ति वूर्ति लगी है कि नहीं, शानदार। तो हम लोग यहाँ से भैया निकल चुके हैं स्टेशन के लिए फुल स्पीड में, और काफ़ी इंजॉय कर चुके हैं हम लोग, और थोड़ा डोसा खा के पेट में भैया चैन आया है। हम आगे की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, और भाई हमारे मुड़ना चाहते थे, हमने कहा नहीं भाई चलो चलते हैं। देखिए स्टेशन पर बहुत ही तगड़ी मूर्ति लगती थी, शायद वो लगी होगी। तो भैया उस मूर्ति को देखने के लिए हम लोग आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, और ये शानदार भी स्पीड में भैया टाटा नैनो दबा के एकदम चला रहे हैं फुल रफ्तार में। हमारे भाई की थोड़ी स्पीड बढ़ाए, स्कूटी को लग रहा है आसमान के पास पहुंचा देंगे, ये खतरनाक चला रहे हैं। ये रोड खाली नहीं पाए हैं, एकदम रफ्तार में चल रहे हैं भाई साहब, और पूरी स्पीड में हम लोग भैया लेके बढ़ रहे हैं स्टेशन की तरफ। हम लोग घूम चुके हैं, और ये रहा भैया स्टेशन की तरफ के नज़ारे नवरात्रि के, क्या खतरनाक और शानदार लाइटिंग भैया, एकदम मज़ा आ जा रहा है। क्या खूबसूरत दिख रहा है अपना रेलवे स्टेशन गोरखपुर का भाई, ये देखिए यहाँ इस समय भीड़ थोड़ी कम है, क्योंकि भाई त्योहारों में लोग अपने घर हैं, बाहर कौन है कि भैया इंजॉय करे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, ये झंडा उच्चार है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, पूरा भैया एकदम अपना लहरा रहा है झंडा, और आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है भाई कोई मूर्ति इस बार नहीं लगी है, कोई भाई दूर से लाइटनिंग नहीं दिख रही है। तो भाई इस बार तो स्टेशन की तरफ भी यहाँ भैया जो मूर्ति बहुत ही भव्य यहाँ लगता था, नहीं लगा है वो, क्या कारण है राम जाने, लेकिन इस बार नहीं लगा है बताइए। मैं काफ़ी निराश हूँ भाई, एकदम हताश हो गया हूँ एकदम दबा के, क्या करूँ भाई। मैं देखना चाहता था यहाँ की मूर्ति, तो ये काफ़ी भव्य रहती है स्टेशन के पास की मूर्ति। तो लोग पूरा भैया इंजॉय करते घूम रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग भैया निराश होकर अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमारे भाई 40 की स्पीड में ही चला रहे हैं, लग रहा है उड़ा देंगे। तो भैया धीरे धीरे हम लोग घर की तरफ मुड़ चुके हैं और निकल चुके हैं भैया घर की तरफ, क्या किया जाए भाई। तो मधुपुर की तरफ चलते हैं भाई, कर ही कह सकते हैं। सारी मूर्तियां हम लोगों ने देख ली, लगभग सारा शहर आपको दिखा दिया भैया, सारे नज़ारे आपको हमने दिखा दिए नवरात्रि के खतरनाक। और ये देखिए भैया, ये देखिए ओरियन मॉल के पास जो लगा है मूर्ति, बहुत ही शानदार भयंकर खतरनाक है भाई एकदम। इन खतरनाक नज़ारों का आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी जाम लगा था, अब हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे भाई तो उनको बुला रहा है, तो चाट का ऑर्डर दिया हमने भाई यहाँ ओरियन से, यहाँ इन एंड आउट पेट्रोल पंप के पास, और भैया इंजॉय करके बाकायदे हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं। और ये देखिए कूड़ा घाट तिराहे पर भैया क्या भव्य सजावट हुई है काली मंदिर में, बहुत ही शानदार दिख रहा है भाई ये मंदिर और ये नज़ारे। यहाँ जाम भी काफ़ी है, जाम को भी इंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जाम तो भैया बहुत मिलेगा। रात के बज रहे हैं इस समय 10:30,
और भैया है इसमें दवा के जाम, भयंकर ये कूड़ा घाट का भैया ये झारखंडी गेट के पास का नजारा है। और हम लोग देखिए आगे बढ़ रहा भाई, इतने 10:30 बजे तक ये जाम खत्म नहीं हो रहा है। और ये अब हम आ गए सिंघड़िया पे, और ये नज़ारे देखिए यहाँ के, कई मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई हैं। और यहाँ रोड पे भैया हो गया है मैटर, झगड़ा हो गया है, पुलिस आई है, विवाद चल रहा है। तो भैया ये सब तो हो ही जाता है, राम जाने कैसा विवाद है। ये देखिए सिंघड़िया के शानदार नज़ारे, उम्मीद है आपको खतरनाक पसंद आए होंगे, बहुत ही जबरदस्त हैं ये नज़ारे। और ये आगे गो एक्स का ऑफिस है भाई हमारे मित्र का यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप पूरा भैया दबा के इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।